चौथा, नाभिकीय ऊर्जा। आपको ज्ञात है कि प्रत्येक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक को घेरे रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अध्ययनों से यह ज्ञात किया कि किसी पदार्थ के परमाणुओं के केंद्र में स्थित नाभिक असीमित ऊर्जा के भंडार हैं। इसी ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा कहा जाता है। नाभिकीय ऊर्जा को दो प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त किया जाता है। ये हैं अ, नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन, ब, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अ, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भारी परमाणु जैसे यूरेनियम, प्लूटोनियम अथवा थोरियम के नाभिक को निम्न ऊर्जा न्यूट्रॉन से बमवारी करवाकर हल्के नाभिकों में तोड़ा जा सकता है। जब ऐसा किया जाता है तो विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। यह तब होता है जब मूल नाभिक का द्रव्यमान उत्पादों के द्रव्यमान के योग से कुछ ही अधिक होता है। जब मूल नाभिक का विखंडन होता है तब नए उत्पादों के द्रव्यमान मूल नाभिकों के द्रव्यमान से कम होता है। यह द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में विमुक्त होती है। उदाहरण के लिए यूरेनियम के एक परमाणु के विखंडन में जो ऊर्जा मुक्त होती है वह कोयले के किसी कार्बन परमाणु के दहन से उत्पन्न ऊर्जा की तुलना में 1 करोड़ गुनी अधिक होती है। विद्युत उत्पादन के लिए डिजाइन किए जाने वाले नाभिकीय संयंत्रों में इस प्रकार के नाभिकीय ईंधन स्वपोषी विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का एक भाग होते हैं जिनमें नियंत्रित दर पर ऊर्जा मुक्त होती है। इस मुक्त ऊर्जा का उपयोग भाप बनाकर विद्युत उत्पन्न करने में किया जा सकता है। श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। जब यूरेनियम 92-235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो प्रत्येक यूरेनियम नाभिक लगभग 2 बराबर खंडों में टूट जाता है तथा इसके साथ ही अत्यधिक ऊर्जा एवं 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर ये न्यूट्रॉन अन्य यूरेनियम नाभिकों को भी विखंडित कर देते हैं। इस प्रकार नाभिकों के विखंडन की एक श्रृंखला बन जाती है जो एक बार प्रारंभ होने के बाद स्वतः ही तेजी से चलती रहती है जब तक कि समस्त यूरेनियम विखंडित नहीं हो जाता। नाभिकीय विखंडन की इस अभिक्रिया को श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। यूरेनियम 92-235 प्लस न्यूट्रॉन 01 नाभिकीय विखंडन के बाद बेरियम 56-139 प्लस क्रिप्टॉन 36-94 प्लस 3 न्यूट्रॉन्स 01 प्लस ऊर्जा। श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती हैं। पहला, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। दूसरा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, जब यूरेनियम 235 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तब 3 नए न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये न्यूट्रॉन पुनः 3 यूरेनियम परमाणुओं का विखंडन करते हैं और पुनः प्रत्येक परमाणुओं से 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। विखंडन की यह प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से आगे की ओर बढ़ती है तथा कुछ क्षणों में ही समस्त पदार्थों का विखंडन हो जाता है। इस अभिक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है तथा एक प्रचंड विस्फोट का रूप ले लेती है। इस अभिक्रिया का उपयोग परमाणु बम बनाने में किया जाता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नाभिकीय ऊर्जा का उपयोग रचनात्मक कार्यों में किया जाता है। नियत मात्रा में ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इस अभिक्रिया में कृत्रिम उपायों द्वारा ऐसा प्रबंध किया जाता है जिससे प्रत्येक विखंडन में उत्पन्न न्यूट्रॉनों में से केवल 1 ही न्यूट्रॉन आगे विखंडन कर पाए। इस प्रकार इस अभिक्रिया में नाभिकीय विखंडनों की दर नियत रहती है, अतः यह अभिक्रिया धीमी गति से होती है। नाभिकीय रिएक्टर में इसी अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों का प्रमुख संकट पूर्णतः उपयोग होने के पश्चात शेष बचे नाभिकीय ईंधन का भंडारण तथा निपटारा करना है, क्योंकि शेष बचे ईंधन का यूरेनियम अब भी हानिकारक घातक कणों विकिरणों में क्षयित होता है। यदि नाभिकीय अपशिष्टों का भंडारण तथा निपटारा उचित प्रकार से नहीं होता तो इससे पर्यावरण दूषित हो सकता है। इसके अतिरिक्त
नाभिकीय विकिरणों के आकस्मिक रिसाव का खतरा भी बना रहता है। नाभिकीय विद्युत शक्ति संयंत्रों के प्रतिष्ठापन की अत्यधिक लागत, पर्यावरणीय प्रदूषण का प्रबल खतरा तथा यूरेनियम की सीमित उपलब्धता बड़े स्तर पर नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग को निषेधक बना देते हैं। ब, नाभिकीय संलयन। आजकल के सभी व्यापारिक नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं, परंतु एक अन्य अपेक्षाकृत सुरक्षित प्रक्रिया जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं द्वारा भी नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न करने की संभावना व्यक्त की जा रही है। संलयन का अर्थ है दो हल्के नाभिकों को जोड़कर एक भारी नाभिक बनाना, जिसमें सामान्यतः हाइड्रोजन अथवा हाइड्रोजन समस्थानिकों से हीलियम उत्पन्न की जाती है। हाइड्रोजन 1-2 प्लस हाइड्रोजन 1-2 नाभिकीय संलयन के बाद हीलियम 2-4 प्लस ऊर्जा लगभग 21.6 मिलियन वोल्ट। इसमें विशाल परिमाण की ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा निकलने का कारण यह है कि अभिक्रिया में उत्पन्न उत्पाद का द्रव्यमान अभिक्रिया में भाग लेने वाले मूल नाभिकों के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस प्रकार की नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं में नाभिकों को परस्पर संलयित होने को बाध्य करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा चाहिए। नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के होने के लिए मिलियन कोटि केल्विन ताप तथा मिलियन कोटि पास्कल दाब की आवश्यकता होती है। नाभिकीय ऊर्जा के लाभ। पहला, यूरेनियम 235 की छोटी सी मात्रा से अत्यधिक ऊर्जा मुक्त होती है। दूसरा, अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। हानि, अभिक्रिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो हानिकारक हैं।